हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11 रचनाएं। आज भाग 3 में हम सीखेंगे एक समरूप त्रिभुज की रचना करना जब स्केल गुणक एक अनुचित भिन्न हो। पिछले भाग में हमने सीख लिया था समरूप त्रिभुज की रचना करना जब स्केल गुणक क्या हो, उचित भिन्न हो। आज सीखने वाले हैं एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना जबकि स्केल गुणक क्या है, एक अनुचित भिन्न है। इसे समझेंगे बच्चों हम हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 2 के माध्यम से। देखिए उदाहरण संख्या 2, और उदाहरण संख्या 2 में हमसे कहा गया है एक दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 5/3 हो, अर्थात स्केल गुणक 5/3 हो। तो नया जो त्रिभुज आपको बनाना है बच्चों, नया जो त्रिभुज आपको जिसकी रचना करनी है उसकी भुजा क्या होनी चाहिए, 5/3 गुनी होनी चाहिए जो त्रिभुज दिया गया है। अर्थात अगर आपने दिए गए त्रिभुज की भुजा को 3 इकाई माना तो नए त्रिभुज की भुजा कितनी होनी चाहिए, 5 इकाई होनी चाहिए। इसका मतलब जो नया त्रिभुज बनेगा बच्चों वो क्या कैसा बनेगा, बड़ा त्रिभुज बनेगा, वो दिए गए त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज बनेगा। कच्चा चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। देखो हल में आपको दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज एबीसी आपको दिया गया है एबीसी, और त्रिभुज एबीसी के समरूप त्रिभुज की रचना आपको करनी है। इस तरीके से करनी है कि इसकी भुजा अगर 3 इकाई है, ये अगर 3 इकाई है, तो फिर जो नया त्रिभुज बनेगा उसकी भुजा कितनी होनी चाहिए, 5 इकाई होनी चाहिए। यानी कि अब की बार जो बी डैश आपको मिलेगा वो ए बी को आगे बढ़ाने पर मिलेगा, और फिर हम क्या करते हैं वही काम, बी डैश से बी सी के समांतर रेखा खींचते हैं और ये ए सी को अब की बार आगे बढ़ाने पर मिलेगी, ये बिंदु मिल जाएगा आपको सी डैश। यहां पर बी डैश पता करने के लिए हमें करनी होगी गणना, बी डैश पता करने के लिए हमें करनी होगी गणना। बी डैश कैसे पता करेंगे, देखिए साफ दिख रहा है चित्र से ए बी बटे ए बी डैश बराबर है 3/5, बराबर है 3/5, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी डैश बटे ये ए बी डैश बटे बी बी डैश आगे वाला बी बी डैश ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5/2। अर्थात जो बी डैश है ना वो ए से 5 और बी से 2 इकाई की दूरी पर है, या हम कह सकते हैं बिंदु बी डैश ए बी को 5:2 के अनुपात में, 5:2 के अनुपात में, 2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है। ये जो बिंदु बी डैश है वो हमें कैसे मिलेगा, हम ए बी का बाह्य विभाजन कर देंगे 5:2 के अनुपात में, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा बी डैश। और फिर सी डैश कैसे मिलेगा, सी डैश पता करने के लिए आप बी सी के समांतर बी डैश से रेखा खींचेंगे जो ए सी को आगे बढ़ाने पर सी डैश पर मिलेगा, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु सी डैश आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास एक त्रिभुज आ जाएगा ए बी डैश सी डैश जो कि दिए गए त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा, और उसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की भुजा की 5/3 होगी। ठीक है, करें रचना स्टार्ट, तैयार हैं आप। चलिए
बना लीजिए सबसे पहले जो त्रिभुज आपको दिया गया है, त्रिभुज एबीसी आपको दिया गया है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कैसा भी आप बना सकते हैं। तो कैसा भी एक त्रिभुज एबीसी बना लीजिए, ये लो मैंने कैसा भी एक त्रिभुज एबीसी बना लिया, ये एक कैसा भी त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी इसका नाम है, त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज एबीसी के समरूप त्रिभुज की रचना हमें करनी है। स्केल गुणा कितना होना चाहिए, 5/3। अनुचित भिन्न इसका मतलब बड़ा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज इसका मतलब बाह्य विभाजन, किसका, एबी का, किस अनुपात में, गणना से हमें पता है 5:2 के अनुपात में, किस अनुपात में, 5:2 के अनुपात में। तो हम क्या करेंगे, इस बी ए या ए बी के बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाएंगे, ये लो जी न्यून कोण बना लेंगे, बनाइए मेरे साथ न्यून कोण, बिंदु ए पर एक न्यून कोण बना लीजिए, न्यून कोण का नाम है बी ए एक्स, और फिर हम क्या करेंगे, ए एक्स पर चाप काटेंगे समान लंबाई के, कितने, बाह्य विभाजन के केस में जो अनुपात बड़ा होता है उसके बराबर चाप काटे जाते हैं। तो प्रकार ले लीजिए और 5 समान लंबाई के चाप काटिए, प्रकार को लगभग 1.5 सेंटीमीटर ओपन रखेंगे, ए से पहला चाप काटेंगे, ये हो जाएगा ए ए वन, दूसरा चाप काटेंगे ये हो जाएगा ए वन ए टू, ये फिर ए टू ए थ्री, फिर ए थ्री से काटेंगे ए थ्री ए फोर हो जाएगा, ए फोर से काटोगे तो ये ए फाइव आ जाएगा। इस प्रकार से आपको 5 समान लंबाई के चाप काट लेने हैं, ये ए वन बिंदु हो गया, ये ए टू बिंदु हो गया, ये ए थ्री बिंदु, ये ए फोर बिंदु और ये ए फाइव। और फिर देखिए चित्र में, देखिए कच्चा चित्र में ए बी कितना इकाई है, 3 इकाई, तो ए बी को 3 इकाई के बराबर मिला दीजिए, यानी कि इस बी को ए थ्री से मिला दीजिए, बी को मिला दीजिए ए थ्री से, और फिर इस बी ए थ्री के समांतर रेखा खींचिए, बी ए थ्री के समांतर रेखा खींचिए ए फाइव से। तो ए फाइव से समांतर रेखा खींचने के लिए हम ए फाइव पर एक क्या बनाएंगे, चाप बनाएंगे, एक चाप तो ए फाइव पर बनाएंगे, और एक चाप कहाँ बनाएंगे बच्चों, ए थ्री पर, उसी त्रिज्या का, उसी त्रिज्या का ए थ्री पर बनाएंगे, और फिर इस ए थ्री वाले को नाप लेंगे, ए थ्री वाले इस कोण को नाप लेंगे इस प्रकार से, देखो प्रकार की नोक यहाँ और पेंसिल की नोक यहाँ, ये इस बिंदु पर, ठीक है, नाप के इतना ही कोण यहाँ, जब आप बना दोगे इस प्रकार से चाप काटिए, और इस चाप को, इस चाप को ए फाइव से मिलाते हुए एक रेखा, एक रेखा खींच दीजिए ए फाइव से मिलाते हुए, जो इस बढ़ाई गई, इस बढ़ाई गई ए बी को कहीं ना कहीं मिलेगी, बढ़ाई गई ए बी को वो कहाँ मिलेगी, इस बिंदु बी डैश पर मिलेगी, बिंदु बी डैश पर मिल जाएगी। तो ये आपको मिल गया है बच्चों बी डैश, और अब आपको पता करना है सी डैश। कैसे पता करोगे भाई, बी पे जितना कोण बना है उतना ही बी डैश पे बना दो और बी सी के समांतर रेखा खींच दो। तो बी सी के समांतर रेखा खींचने के लिए जितना कोण बी पे बना हुआ है उतना ही कोण हम बनाएंगे किस पे, बी डैश पे, संगत कोण बराबर बनाएंगे। तो समांतर रेखाएं खींचने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको, समांतर रेखाएं तो हम आसानी से खींच पाते हैं। इस कोण को नाप लीजिए जो बी पे बना हुआ है, बी पे जो ये कोण बना हुआ है इसको मापिए, ये लो माप लिया, और फिर यहाँ से यहाँ पर रखिए प्रकार की नोक को और चाप काटिए बच्चों, चाप काट दीजिए, जहाँ चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें उस बिंदु को बी डैश से मिलाते हुए एक रेखा खींचिए, जो एसी को आगे बढ़ाने पर, एसी को आगे बढ़ाने पर कहाँ मिलेगी, सी डैश पर मिलेगी, कहाँ मिलेगी, सी डैश पे। तो ये जो बिंदु है आपके पास आ गया है सी डैश, और इस प्रकार से
आपके पास आ गया है अभीष्ट त्रिभुज ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश आपके पास क्या है, अभीष्ट त्रिभुज है जिसकी रचना आपको करनी थी। आइए रचना के पद लिखते हैं बच्चों और फिर करेंगे सत्यापन। रचना के पद, रचना के पद देखो बच्चों, अब किस प्रकार से हमने अनुचित भिन्न के रूप में जब स्केल गुणक में दिया गया था तो समरूप त्रिभुज की रचना की थी। सबसे पहले हमने सर्वप्रथम दिया गया त्रिभुज ए बी सी बनाया। सबसे पहले हमने त्रिभुज ए बी सी तो बनाया। अच्छा, कच्चा चित्र बनाया क्या? अरे ये तो उस रचना को करने के लिए हमने बनाया था कि रचना किस प्रकार से करनी है वो आइडिया लेने के लिए। वास्तव में तो हमने सबसे पहले त्रिभुज एबीसी ही बनाया, फिर हमने क्या किया, इस ए बी को बाह्य विभाजित किया 5:2 के अनुपात में। दूसरा काम देखो, त्रिभुज एबीसी की भुजा, आप किसी भी भुजा को कर सकते थे बच्चों, जरूरी नहीं है ए बी को ही करें, किसी भी भुजा को कर सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी को 5:2 के अनुपात में, 5:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करते हैं, बाह्य विभाजित करते हैं। माना ये जो बाह्य विभाजक बिंदु है वो कौन सा है, बी डैश। माना बिंदु बी डैश ए बी को 5:2 के अनुपात में, 2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है। तो इस प्रकार से बाह्य विभाजक बिंदु हमें बी डैश मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, बी डैश से बी सी के समांतर रेखा खींची थी। अगला काम हमारा क्या था, तीसरा, बी डैश से बी सी के समांतर रेखा खींची जो बढ़ाई गई, जो बढ़ाई गई ए सी को सी डैश पर मिलती है। और जैसे ही सी डैश आपको मिला, आपको त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। लिख देंगे इस प्रकार हमें अभीष्ट त्रिभुज ए बी डैश सी डैश प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें अभीष्ट त्रिभुज ए बी डैश सी डैश प्राप्त होता है, जो कि दिए गए त्रिभुज के समरूप होता है और जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी, दिए गए त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की 5/3 है। आइए इस बात को सत्यापित भी करते हैं। देखो यहां पर सत्यापन, हम ले लेंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज ए बी डैश सी डैश में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो, दोनों त्रिभुजों में देखो बच्चों, कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण ए जो है उभयनिष्ठ है। कोण बी जो है कोण बी डैश के बराबर है। रचना से हमने बराबर कोण बनाए थे, जितना कोण ये था उसी को माप के वो बनाया था, तो बराबर कोण। ए समरूपता के नियम से, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी डैश सी डैश के, तथा बच्चों ए बी डैश / ए बी
बराबर बी डैश सी डैश बटे बी सी बराबर ए डैश सी बटे ए सी बराबर कितना होगा, 5/3 होगा, ये 5 ये 3, ठीक है। तो संगत भुजाओं का अनुपात 5:3 होगा। इस प्रकार से आप रचना करेंगे एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की दिए गए स्केल गुणक के अनुसार। दोनों बातें बच्चों हमने सीख ली है, जब स्केल गुणक उचित भिन्न होता है तो कैसे करते हैं, अनुचित होता है तो कैसे करते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अनुचित के केस में ये कच्चा चित्र और उचित के केस में जो हमने पिछले भाग में देखा था वो कच्चा चित्र। अगर आपको कच्चा चित्र भी याद रहा तो बच्चों आसानी से आप समरूप त्रिभुज की रचना कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपने मेरे साथ साथ रचना की है, अच्छे से समझा है बच्चों, और अब आप पुनः क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।